खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। अनुपगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बैलान के पति द्वारा दिन दहाड़े एक व्यक्ति को सरेआम जलाकर मारने का प्रयास किया गया तथा दबंगई दिखाई गई। जानकारी के अनुसार किसी पारिवारिक मामले को लेकर पालिका अध्यक्ष प्रति रिपीट जानकारी के अनुसार किसी पारिवारिक मसले को लेकर पालिका अध्यक्ष पति प्रिंस नकपाल मिलकर पहले तो व्यापारी को जमकर पीटा तथा फिर व्यापारी पर जलाकर मारने की कोशिश की। गरिमत रही कि व्यापारी ने भागकर शराब ठेके में घुसकर अपनी जान बचाई। इस मामले में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद की मांग को लेकर घटनास्थल पर लोगों ने धरना भी लगाया था। जानकारी के अनुसार दोनों आपस में रिश्तेदार हैं तथा विवाद चल रहा है। व्यापारी मनोज कुमार बागला ने पुलिस थाने में दर्ज करवाए गए मुकदमे में बताया कि उसके छोटा भाई अरविंद कुमार उर्फ विक्की की शादी 17 साल पहले नगरपालिका अध्यक्ष के पति प्रिंस नागपाल की बहन के साथ हुई थी तथा दोनों के 9 वर्ष की एक बच्चे भी है। दोनों पति पत्नी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के निवासी करते हैं, जो इन दोनों दोनों पति पत्नी अनूपगढ़ आए हुए हैं। दोनों पति पत्नी में मनमुटाव होने के कारण अनूपगढ़ आने के बाद से अरविंद कुमार उनके पास रहता है तथा अरविंद कुमार की पत्नी अपने भाई प्रिंस नागपाल के साथ रहती है। मनोज कुमार ने लिखवाया है इसी बात को लेकर 22 अप्रैल को रिश्तेदार के घर पर दोनों पक्षों की पंचायत भी हुई थी। पंचायत में दोनों पति पत्नी को एक साथ रखने का प्रयास किया गया, परंतु प्रिंस नकपाल ने अपनी बहन को वापस उनके साथ रखने से मना करते हुए धमकी दी कि पूरे परिवार को जान से मारेगा और सड़क पर बदला लेगा। प्रार्थी ने बताया कि शहर की 22 सड़क पर प्रिंस नागपाल सौरभ व 4-5 अन्य व्यक्तियों ने उससे मारपीट करते हुए जलाने की कोशिश की। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच कार्रवाई शुरू कर दी है। उनका आपस में वहाँ पे वो यहाँ आए हुए, दोनों का आपस में कोई विवाद चल रहा था जिनकी हमारे पारिवारिक मीटिंग में शादी थी। इस दौरान मैं दुकान से घर पे खड़ा खड़े जा रहा था, मेरे को यहाँ पे रोक के मेरे मुंह पे काला तेल डाला, मेरे को जलाने की कोशिश करी। ये प्रिंस नागपाल सौरभ सेठी और उसके साथ 2-4 लोग आए थे, मैंने अपने आप के बचाव में हाथ किया, लेकिन आगे मेरी जान बचाई। ये हमारे सभ्य समाज की जिसमें हमारी पंचायतियाँ चल रही हैं, जो पंचायती में हमारे ये साथी खड़े हैं फूलचंद जी चुग अध्यक्ष व्यापार मंडल जो हमारी पंचायत कर रहे थे, प्रभुलाल जी नागपाल, मोहित छाबड़ा, सुरेंद्र नागपाल, ये हमारी पंचायतियाँ कर रहे थे और मेरे साथ ये करिए सरेआम करिए। मैं यही चोरे पर बैठ रहा हूँ, घर पे आकर धमकी देते हैं। जो मेरे को मीटिंग में मेरे को हर बार ये धमकी दी, तेरे को देख मीटिंग में यही कहा गया तेरे को देख लेंगे, अभी को ये धमकी दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आवाज़ न्यूज़ राजस्थान के साथ।